हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे कतर स्टार्स लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा अल वाकरा और अल मार्किया के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम्स का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। और हाँ दोस्त, ये आज का लो स्कोर मैच है और लो स्कोर मैच का मतलब है कि जो हम लॉस कर चुके हैं उसको हम रिकवर कर सकें। और इस मैच में किस तरह इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा, तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि नेक्स्ट जो अपकमिंग मैच है इन सब की वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ओके। तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, अल वाकरा कतर लीग में फिलहाल के टाइम पर सेकंड पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें अल मार्किया फिलहाल के टाइम पर एट्थ पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के लें। तो गाइस, मैं फिलहाल भी अल वाकरा को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मैच होम में है और ये टीम जब भी अपने होम में अपने से हल्की टीम के सामने मैच खेलती है, ये टीम मैच को या तो विन करती है या मैच को ड्रॉ करती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं इस टीम के फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लैंग्वेज हम बात करेंगे, जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से अल वाकरा 2 मैच विन कर चुकी है, 1 मैच इस टीम के सामने ड्रॉ भी खेली है और 2 मैच लॉस भी कर चुकी है। अटैक से 1.8 गोल पर मैच स्कोर की, लेकिन डिफेंस से 1.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, जब भी अल वाकरा इस टीम के सामने मैच खेलती है प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी तो इस टीम सामने पर मैच में 2 या 3 गोल तक स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी स्कोर कंसीड नहीं करती। कभी कभी इस टीम सामने पर मैच में गोल कंसीड करती, वरना कभी कभी तो मैच को विन भी कर लेती है और गोल कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए, अल वाकरा का काफी शानदार है, अटैक भी और डिफेंस भी। अब बात करें, जो पिछला मैच अल वाकरा इसी टीम के सामने 4-3 से मैच को लॉस कर गई, अटैकिंग वाइज तो 3 गोल स्कोर करे लेकिन डिफेंस से 4 गोल कंसीड कर गई। और उसे भी मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में डिफेंसिव ड्रॉ खेला गया और उसे भी मुकाबले अल वाकरा अल मार्किया के सामने 2-1 से मैच को विन किए, वो भी अपने होम में। और आज भी ये मैच इसी टीम के होम ग्राउंड में, और उससे पहले मुकाबले ये टीम 2-0 से मैच को लॉस भी किए और उससे पहले मुकाबले ये टीम 4-1 से मैच को विन किए। तो परफॉर्मेंस अल वाकरा का देखा जाए तो काफ़ी शानदार है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो गाइस, अब बात आती है इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, अल वाकरा करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं, 1 मैच ड्रॉ भी खेला और 2 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैक से 2.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी 2.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, इस टीम का जो परफॉर्मेंस है, अटैक तो काफ़ी शानदार है, प्रत्येक मैच में कम से कम 3-4 गोल स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड कर देता है। अब बात करें, जो पिछला मैच अल वाकरा अल कतर के सामने 3-0 से मैच को विन कर गा रही है और उससे पहले मुकाबला उम शलाल के सामने टीम 4-0 से विन की है और उससे पिछले मुकाबले ये टीम अटैकिंग ड्रॉ के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टीम का अटैक भी काफ़ी शानदार है और डिफेंस इस टीम ने गोल कंसीड नहीं किया, तो डिफेंसिव भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और उससे पहले मुकाबले ये टीम 4-2 से मैच को विन किए और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए। दोनों मैच में इस टीम ने गोल तो स्कोर किए लेकिन डिफेंस से काफ़ी ज़्यादा गोल कंसीड कर दिए और मैच को ये टीम लॉस कर गई। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली अल वाकरा का देखा जाए, अटैक भी अच्छा है, डिफेंस भी मजबूत है। अब बात आती है अल मार्किया का जो परफॉर्मेंस है करंटली, उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइस, अल मार्किया करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 1 मैच विन किया है, 1 मैच ड्रॉ खेला, 4 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहने का मतलब, ये टीम पर मैच में 1 गोल तो स्कोर कर ही देती है, लेकिन डिफेंस इस टीम का पर मैच में कम से कम तो 1 और कभी कभी तो टीम पर मैच में 2 या 3 या 4 गोल तक भी कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली अगर देखा जाए तो इस टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। अब बात करें, जो पिछला मैच अल मार्किया दोहेल के सामने 1-0 से मैच को लॉस करा रही है और उसके मुकाबले अल अरबी के सामने 2-0 से लॉस किए। आप देख सकते हो, पिछले 2 मैच में इस टीम ने 1 भी गोल स्कोर नहीं किया बल्कि डिफेंस से गोल कंसीड किया है। और उसके मुकाबले अल कतर के सामने टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेली, फिर यहाँ से अल शेड के सामने टीम 4-3 से विन किए और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए। दोनों मैच में इस टीम ने 2-2 गोल स्कोर किए, मतलब 1-1 गोल स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 2-2 गोल कंसीड किए। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो डिफेंस काफ़ी डाउन है और अटैक
अटैक से ये टीम कहीं ना कहीं एक गोल पर मैच में स्कोर कर ही देती है। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग अल वक्रा की जो पोजिशन है वो काफ़ी शानदार है और अल मार्का की जो पोजिशन है वो काफ़ी डाउन है। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो अल वाकरा इस टीम के सामने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कर लेती है अटैक से भी और डिफेंस से भी, और मार्किया इस टीम के सामने जल्दी से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। और रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो अल वाकरा का जो परफॉर्मेंस है अटैक भी काफ़ी शानदार है और डिफेंस भी काफ़ी शानदार है, और मार्किया का जो परफॉर्मेंस है डिफेंसिव काफ़ी डाउन है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में एक फेवरेट टीम अल वाकरा देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं अल वाकरा को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि कम से कम इस मैच में अल वाकरा तीन तो गोल आराम से स्कोर कर देगी इस टीम के सामने और शायद एक गोल कंसीड भी कर दे, तो इसलिए मैं अपना इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 3-1। और 3-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं अल वाकरा के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे अल मार्का के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो नजर डालते हैं वाकरा के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो का टॉप के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस मैच की फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। ओके, और हाँ दोस्त अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं सबसे पहले अल वाकरा के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज अल वाकरा की तरफ से फिलहाल टाइम पर जो हाइस्ट गोल टेकर गैल्सन डाला, जो कि प्रीवियस सीजन की टीम की तरफ से सेकंड हाइस्ट गोल टेकर था, और आज के मैच में आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो, पॉइंट जरूर देगा। ओके, फिर यहाँ से मोहम्मद खालिद है जो कि इस टीम की तरफ से एक गोल निकाल चुका है, बाकी सभी प्लेयर्स ने इस टीम के लिए एक गोल निकाले हैं, लेकिन जो यहाँ से टॉप प्लेयर है ना वो आपके सामने सेंस बरी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से उमेद इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए क्योंकि इस टीम की तरफ से पेनल्टी लेता है, तो पेनल्टी में इसका गोल आने का चांस ज़्यादा रहेंगे, तो को ट्राई करना बनता है। फिर यहां से मोहम्मद बैन येटू जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है प्रीवियस सीजन का टॉप हाइस्ट गोल टेकर, तो इनको भी टीम में ट्राई करके जरूर चलना क्योंकि इस टीम का अटैक रिसेंटली काफ़ी शानदार है और दूसरी टीम का डिफेंस काफ़ी डाउन है, तो इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस इस मैच में अच्छा आ सकता है, तो ट्राई करना बनता है। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामला अगर देखा जाए तो मोहम्मद खालिद जिसने एक असिस्ट निकाला, उमेद जिसने एक असिस्ट निकाला, मोहम्मद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है प्रीवियस सीजन का टॉप हाइस्ट गोल टेकर, बाकी एक रिकॉर्ड सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप बेस्ट प्लेयर है जिनको किसी भी कंट्री में आपको ड्रॉप नहीं करना, तो आपके सामने ये प्लेयर्स हैं, इनको तो आप ड्रॉप बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले, तो हम नजर डालते हैं अल मार्किया के टीम के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज मार्किया जो कि काफ़ी हल्की टीम है उसके सिर्फ 3-4 ही गोल आए हैं, अयमन हुसैन है जिसने 3 गोल किए, और यहाँ से जुगुर था जिसने 1 गोल किया, और अली शहद है जिसने 1 गोल किया, तो यहाँ से जो टॉप प्लेयर है मुझे सिर्फ अयमन ही देखने को मिलेगा, इन्हीं को हम टीम में ट्राई करके जरूर चलेंगे। ओके, बाकी इस टीम के एक गोल कीपर को पिक करेंगे, एक ऐसा प्लेयर को पिक करेंगे जिसका गोल आने का भी चांस हो, प्लस बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट भी दे जाए, और एक प्लेयर ऐसा को पिक करेंगे जो सबसे ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट देता हो, तो इस टीम ये वीक टीम है, तो इस टीम का हमें सिर्फ वही टॉप प्लेयर चाहिए 4 जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामला अगर देखा जाए जुगुर्था हारून जिसने इस टीम की तरफ से गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर तो टीम में ट्राई करना बनता है। फिर यहाँ से अयमन हुसैन है जो कि गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, तो इन दो प्लेयर्स को आप किसी भी कंडीशन में ड्रॉप मत करना। ओके, तो अब बात आती है इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मैंने रखा है 3-1, और 3-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहना चाहिए इस मैच जो हमारे शमोलिक टीम ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर और इस वीडियो के सेकंड बेस्ट पार्ट पर। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस मैच में अल वाकरा एक फेवरेट टीम है और फेवरेट टीम का हमेशा हम अपनी टीम में 7 प्लेयर पिक करते हैं, और अल मार्की एक हल्की टीम है तो हल्की टीम का हमें सिर्फ 4 प्लेयर पिक करने हैं, तो 7-4 कॉम्बिनेशन के अनुसार इस मैच में हम अपनी पूरी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो अल मार्की गोलकीपर इस मैच में ज़्यादा टेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैं अशोर को अपनी टीम में एज ए गोलकीपर पिक कर चलता हूँ। अगर यहाँ से साली खेलेगा तो साली को पिक कर चलेंगे, अशोर खेलेगा तो अशोर को पिक करेंगे। ओके, मैं यहाँ से अल वाकरा के गोलकीपर को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा।
मार्क है गोलकीपर को। ओके, बाकी यहाँ पर ना वाखरा का कोई गोलकीपर आपको सजेस्ट होगा तो यहाँ सही देखने को मिलेगा, तो इनको ट्राई करके जा सकते हो, लेकिन मैं अधिकतर अशोर को पिक करूँगा। बात करें यहाँ से डिफेंडर सेक्शन से, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी सेंसबरी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और इसका जो परफॉर्मेंस रहता है डिफेंस से काफ़ी मजबूत रहता है, हेडर में काफ़ी बेहतरीन है, एक लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हैं। ओके, तो इसको ना मैं किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं कर सकता। और बाकी जो ऊपर आपको डिफेंडर दिख रहे हैं ये मार्किया के डिफेंडर हैं, तो मार्किया का इतना बेहतर डिफेंस है नहीं, तो इसलिए मैं इन सभी प्लेयर्स को ड्रॉप करके चला हूँ। मैं किसी को पिक नहीं करूँगा सलेक्शन चाहे इनका कितना भी हो, क्योंकि मैच को दूसरी टीम विन करेगी तो हम क्यों उस टीम के प्लेयर को पिक करें। ओके, फिर यहाँ से हम पिक करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नाम देखो ये लीग नहीं है तो प्लेयर का जो रिकॉर्ड है उसी के अनुसार हम टीम बनाएंगे, लेकिन मैंने कुछ मैचेस देखे हैं इसी लीग के, उसके अकॉर्डिंग मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जो मुझे टॉप प्लेयर और हैं वो मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ मार्क की तरफ से। हाँ, तो गाइस यहाँ जो टॉप प्लेयर है एम नाजी हुसैन, जो कि प्रीवियस सीजन इसने 3 असिस्ट निकाले थे, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और एक प्लेयर का नाम है लुकास मेंडेस, इनको टीम में मतलब अभी के लिए मैं पिक करना पसंद करूँगा। बाकी यहाँ जो डिफेंडर जो खेलेंगे वो लाइनअप के बाद जरूर कोशिश करेंगे हम लेने की, लेकिन यहाँ से मुझे और बाकी कोई प्लेयर बेहतर लगा नहीं है। ओके, तो बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी उमेद इब्राहिम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से आपके सामने एक बेहतरीन प्लेयर आता है जिसका नाम है, मुझे लगता है वो उसका नाम नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ से उमेद को पिक करते हैं। फिर हम यहाँ से पिक करने वाले हैं उमर अली, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, किसकी तरफ से, वाखरा की तरफ से, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको इसलिए हम ट्राई करके चलेंगे। फिर हम यहाँ से मार्किया की तरफ से पिक करेंगे जुगरातो हैमरोन को। ओके, तो इनको तीन को पिक करके जरूर चलेंगे, बाकी लाइनअप पर हम डिपेंड करते हैं बाकी प्लेयर्स को। अभी के लिए हम सेंटर फॉरवर्ड चूज करते हैं जो बेस्ट है यहाँ से, तो यहाँ से डाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर हम यहाँ से पिक करेंगे मोहम्मद बेन येटो, जो कि इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन का टॉप हाइस्ट गोल टेकर था, प्लस असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखता था, तो इन दो प्लेयर्स को हम किसी भी कंडीशन में अभी के लिए ड्रॉप नहीं करने वाले। फिर यहाँ से आयमन हुसैन को पिक करेंगे, क्योंकि इस टीम की तरफ से इसका 3 गोल आया है और असिस्ट में भी इसका कंट्रीब्यूट रहा है, तो इसलिए इनको पिक करते हैं। और यहाँ से अब आपके सामने है, चाहे तो आप एक डिफेंडर उठा लो, चाहे आप यहाँ से मिडफील्डर ले सकते हो, अब आपकी चॉइस, आप किसको पिक करते हो। मैं यहाँ से अभी के लिए फेटो को टीम में ट्राई करके चलता हूँ। ओके, बात करें कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी की, तो मुझे कैप्टनसी आज के मैच में देनी है डाला को और वाइस कैप्टन देनी मोहम्मद बेन येटो को। ओके, तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है, लेकिन याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद कि कौन सा प्लेयर की लाइनअप मतलब पोजीशन बेहतर है अटैक पर है, और कौन सा प्लेयर ऐसा है जो बिना गोल के भी डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा अगर वो 90 मिनट खेलेगा तो। ओके, तो ये अभी के लिए फाइनल टीम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो का आधार पर टीम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय दोस्त। और हाँ दोस्त, जो आपके सामने अदर ऑप्शन है जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, देखो उमर अली मुझे काफ़ी पसंद है और ये इस टीम की तरफ से ना कभी कभी तो पेनल्टी भी लेता है। उमेद इब्राहिम को मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ से आपके सामने मुझे तीन ही लगे, तो इन तीनों को मैंने आपके लिए सजेस्ट किया है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर। ओके, फिर यहाँ से आपके सामने दो प्लेयर्स और भी हैं, तो यहाँ से इनमें से किसी को मतलब इन दो में से किसी को बना सकते हो, तो आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन इस टीम का चांस थोड़ा सा कम है इस मैच को विन करने का, मतलब गोल आने का चांस बहुत कम है, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट कर नहीं रहा। फिर यहाँ से सेंसबरी एक डिफेंडर में एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिनको आप हम टीम में एक लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके, आई होप ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।